दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। आज इस वीडियो में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में निकली वैकेंसी जूनियर अकाउंट क्लर्क के सिलेबस का डिटेल ब्रेकडाउन प्रोवाइड कराने वाला हूं। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो इस वैकेंसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर कट ऑफ और निगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं इससे रिलेटेड रहेगा। तो प्लीज़ आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले इस वैकेंसी से रिलेटेड हम सिलेबस देख लेते हैं और फिर आपको सब्जेक्ट वाइज हम बता देंगे कि किस सब्जेक्ट से या फिर किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है इस एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए यहाँ पे जूम करके हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए पहला जो सेक्शन है जनरल नॉलेज का है, जिसमें से करेंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन रहता है, ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, इंडियन पॉलिटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन रहता है। जो दूसरा सेक्शन है वो लॉजिकल रीजनिंग का है और सभी जो ये जो लेवल रहेगा सभी क्वेश्चन का वो 10th लेवल का रहेगा और कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक आपका जो सब्जेक्ट है वो जो है कॉमर्स से क्वेश्चन रहता है, तो इसका सिलेबस आगे दिया हुआ है। जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें एनालॉजी से क्वेश्चन रहेगा, सिमिलरिटीज से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिफरेंसेज एनालिसिस, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, ऑब्जर्वेशन, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेस विजुअलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, अर्थमेटिकल रीजनिंग, जजमेंट, विजुअल मेमोरी और डिस्क्रिमिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है लॉजिकल रीजनिंग से। नेक्स्ट बात किया जाए जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन से, इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर डिटेक्शन, इडियम एंड फ्रेजेस एंड पैसेज कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन रहता है। जो अगला सेक्शन है वो जनरल हिंदी का है, इसमें ग्रामर से क्वेश्चन रहता है, वोकैबुलरी से क्वेश्चन रहता है कॉम्प्रिहेंशन से, और रिक्त स्थान के पूर्ति करने से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, एरर डिटेक्शन से मतलब वाक्य में कुछ गलती हो या फिर शब्द में कुछ एरर हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, और उल्टा शब्द पूछा जाता है, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स समानार्थी शब्द पूछा जाता है और मुहावरा वगैरह पूछा जाता है हिंदी से रिलेटेड। अभी साथ में ही हम कॉमर्स वाले सेक्शन का डिस्कशन कर देते हैं, फिर लास्ट में कंप्यूटर से रिलेटेड जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे कॉमर्स में कंपनी और अकाउंट इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और कंपनी एक्ट 1956 से क्वेश्चन आता है और क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है कंपनी एक्ट में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑडिट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। टैक्सेशन जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेज होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर पूछा गया था अभी से जो पिछला हुआ था एग्जाम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्वेश्चन आता है। कॉस्टिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस से क्वेश्चन पूछा जाता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है। सिंगल एंट्री सिस्टम एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से क्वेश्चन आता है। और लास्ट जो टॉपिक है कॉमर्स का वो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतिम जो हमारा बच गया सेक्शन वो है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सेक्शन है इसमें सबसे पहला जो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाता है, सीपीयू क्या होता है, मेमोरी, हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है वो बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और कंप्यूटर लैंग्वेज जावा पाइथन ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। इसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड। और नेक्स्ट बात की जाए टॉपिक की वो है चैप्टर की तो वो है बेसिक नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के आपको नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज से क्वेश्चन रहेगा। फिर बात किया जाए इंटरनेट से रिलेटेड तो वेब ब्राउजिंग से रिलेटेड, ईमेल, सर्च इंजन, वेब सर्वर्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है और नेटवर्क में लैन, वैन और मॉडेम से क्वेश्चन रहता है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मॉडेम क्या होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। और लास्ट में जो साइबर सिक्योरिटी है उससे क्वेश्चन रहता है कि वायरस और मालवेयर क्या होता है, वार्म क्या होता है, इंटरनेट सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है और साथ में फायरवॉल से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। अभी हम बात कर लेते हैं कि इसके सिलेबस का सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन क्या होगा, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज हमने ब्रेकडाउन मेंशन कर दिया है। सबसे पहले यहाँ पे जनरल नॉलेज से जीके से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है और लॉजिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चन रहता है
इंग्लिश से 10 क्वेश्चन और हिंदी से 10 क्वेश्चन, ये टोटल 40 क्वेश्चन हो गए। और जो फिफ्थ हमारा सेक्शन है वो कंप्यूटर का, उसमें से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल ये 60 क्वेश्चन हो गए। और लास्ट वाला जो सेक्शन हमारा बच गया वो कॉमर्स का, उसमें यहाँ पे देखिए कॉमर्स में 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है इस कंपनी द्वारा। और रेफरेंस बता दे आपको कि ये जो सारा डिटेल है हमने कहाँ से उठाया है, तो ये जूनियर अकाउंट क्लर्क का ये एग्जाम हुआ था, ये 28 जून 2018 को थर्ड बैच में जो एग्जाम हुआ था उससे हमने ये जो डिटेल है आपको बताया है। ये देखिए प्रूफ के तौर पर हम आपको दिखा देते हैं, ये एग्जाम जो है जूनियर अकाउंट क्लर्क का ये बैच 3 में एग्जाम हुआ था 28 जून 2018 को, और ये क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट है। और एक चीज आपको बता दूं कि बहुत जो कैंडिडेट है वो डिमांड कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसका पीवाईक्यू करवाइए, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत पुराना एग्जामिनेशन है और इससे रिलेटेड जो आंसर की का पेज है या पीडीएफ है नहीं मिल पा रहा है। एक हमारे पास पीडीएफ है भी तो बहुत ज्यादा ब्लर है, कुछ पेजेस में क्वेश्चन ही पता नहीं चल पा रहा है कि क्वेश्चन पूछा किया गया है। ये तो कुछ आपको क्लियर भी दिख रहा होगा लेकिन वो जो पीडीएफ मेरे पास है उसमें से बहुत सारे पेजेस का जो है डिटेल ही बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा है, उसके ब्लर जो हो गया उस रीजन से। तो हम देखते हैं अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आता है तो हम जो है कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराएं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।